अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीज फातिमा और हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि मोल वाले जो एम सी क्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज और बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ ये जो फाइव बेसिक फार्मूलाज है जो यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं, आप इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो आप जो मोल वाले एम सी क्यूज़ हैं उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं वेरी फर्स्ट फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सेकेंड में है यहाँ पे एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स और आइंस, उसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली एवोगैड्रो नंबर से और हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट कम्स द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आपने याद कर लेनी है और इससे भी हम फार्मूला को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ मोल्स बड़ा ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर वॉल्यूम। और यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इज के वहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन दी होगी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने, बट क्या होगा, उन्होंने हमें कोई भी मास नहीं दिया होगा, जस्ट उन्होंने हमें मतलब कंपाउंड का मास नहीं दिया होगा, जस्ट उन्होंने हमें किसी भी एलिमेंट का या फिर एलिमेंट्स का मास दिया होगा, उसको यूज़ करते हुए हम उसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हम पुट करेंगे मास ऑफ द एलिमेंट और नीचे हम पुट करेंगे मोलर मास ऑफ द एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स से जो एम सी क्यूज़ आ जाते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, या फिर उसके लिए हमें ये एक पाथवे है या फिर आप इसे एक ट्रिक कह सकते हैं, हमें इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। अगर हम इसको मेमोराइज़ कर लेते हैं, अपने जहन में रखेंगे ना, तो हम बहुत ही ईजिली एम सी क्यूज को सॉल्व कर सकते हैं करेक्टली। सही हो गया। सबसे पहले उन्होंने हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए देन वेल एंड गुड, इफ नॉट गिवन दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू वेरी फर्स्टली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, देन प्रोसीड टुवर्ड्स फाइंडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम्स। इन दिस वे वी कैन वेरी इजिली सॉल्व अवर एम सी क्यूज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स ये Na2CO3 के अंदर जिसका मास उन्होंने हमें दिया हुआ है 53 grams। तो यहाँ पे जिस तरह हमने अभी बात की है कि अगर उन्होंने हमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए तो ठीक है, नहीं दिए हुए तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे। सही हो गया। उसके बाद इससे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कैसे है? कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। तो 0.5 में कितने होंगे, हम सिंपली इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 0.5 मोल्स में हमारे जो हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सही हो गया। यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने। तो एक मॉलिक्यूल में दो सोडियम के एटम्स हैं, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के हैं। तो 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे सारे, बस हमने क्या करना है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इन नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिव इनके सब एलिमेंट्स के। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे जो चैप्टर है इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। सही हो गया। इसको हमने निमोनिक्स किए हुए बनाए हैं टू लर्न दिस इन अ वेरी ईजी वे। तो इससे याद कर लेना है सबसे पहले क्या होगा, फॉक्स, बियर और फिर हैन, और इनके रिस्पेक्टिव हमने ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लर्न कर लेने हैं। और पहले वाले के होंगे 1 आइसोटॉप, सेकंड के 2, और थर्ड के क्या होंगे, 3 आइसोटॉप्स होंगे सबके। क्या है जी, फॉक्सी इंसेक्ट्स आर एल्यूरिंग। यहाँ पे एफ सी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्लोरिन, आयोडीन, एस्टेटीन और इससे गोल्ड। इसी तरह ये भी बाकी सारे हैं, क्यूट बियर्स कैन कैच द कैट्स, इनके रिस्पेक्टिव यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम। एंड नंबर 2 पे आ रहा है तो इसके क्या है, इन सब के ही 2 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 3 पे क्लेवर, हेंस, ऑफन, नेस्ट, इन सब के कितने हैं, 3 आइसोटॉप्स। उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ये रिस्पेक्टिव है डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है, लाइक सुपर निंजास कैन प्रोड्यूस द कूल सॉन्ग्स एल्बम। इस तरीके से याद करेंगे और सिंपली 4, 5, 6, 6, 9, 11 and 16। सही हो गया। उसके बाद एक और जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज़ है वो उसमें बता हमसे पूछा जाता है कि एक्सेस है जो लार्ज नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में है। अब इसमें हमें वैसे अगर हम नॉर्मली फाइंड आउट करें तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे अपने पाथवेज जो हमने बात की थी उसको फॉलो करते हुए, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए कि किसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हमने यहाँ पे दो ट्रिक्स हैं बड़ी सिंपल से, ठीक हो गया, दो कंडीशंस हैं, ये ट्रिक हमने फॉलो करनी है। अगर तो जो उन्होंने हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका अगर सेम मास है तो हमने क्या करना, उन सबका उनके फ्रंट में हमने लिख लेना है मोलिकुलर मास, और जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है,
सही हो गया। सेम मॉलिक्यूलर मास इनका है, गिवन मास है इनका, मॉलिक्यूलर मास इनके फ्रंट में हमने राइट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे क्या हो गया इनका, टू सबसे कम है इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह सेकंड कंडीशन है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हम इनके फाइंड आउट करना है कि विच वन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इनका अगर डिफरेंट मास है तो हमने जस्ट इनके नंबर ऑफ मोल्स इन फ्रंट ऑफ देम राइट डाउन कर लेने। आफ्टर दैट जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया।